Hello students, welcome to my class. देखो बोले last class में हम कौन पढ़ते थे? Graph theory पे पढ़ते थे, हो ना? Graph theory हम कौन पढ़ते थे बोले? Coin bug problem पढ़ते थे बोले? Okay. ताई हम कौन पढ़ते थे? कहीं क्या हमारे graph theory का math में से introduce चला देते थे? हाँ अब तब इसे हम देखे तो जिसे तो करते थे। अब देखो एक class में कौन करी हुआ? सर last class में कौन इतना हुआ? किसी definition पढ़ना थे बोले? हाँ कौन सी चीज़ से हम किसी डेफिनेशन पढ़ना होता है ना ए क्लास में कौन करेगा सब जगह डेफिनेशन फर्स्ट टाइम पढ़ेगा ठीक है ना डेफिनेशन रे को कौन लाभ होगा देखो फर्स्ट देखो जितनी के हमें थ्योरम जा करियो ना सब कौन डायरेक्ट लिखी थी वो जे बाय रीडिंग सम डेफिनेशन और सम पॉइंट इट आसला तो मन रखिया पूरी वो जे डेफिनेशन हमर कौन थिला बुझा पड़छ ना तो बेसी इंपोर्टेंट है हमरो ओके सकरिया ओके देखो बोले फर्स्ट टाइम देखिवा व्हाट इज ग्राफ ग्राफ और फर्स्ट टाइम कौन लिखा है डेफिनेशन देखियो है ना तो तामे बेस इंपोर्टेंट होच पिल ओडे डायग्राम हम दका अछि है ना तो लास्ट टाइम हम कहिथिले ग्राफ रे मस्ट बी कोन थियो किछि एडजस्ट थिबो आ कोन थियो किछि वर्टेक्स थिबो ठीक अछि ना देखो फर्स्ट वो डायग्राम कर देखो एक गुट डायग्राम रे प्ले हमें बहुत गुट डेफिनेशन बुझ रे हैला फर्स्ट देखो देखिवा ग्राफ रे डेफिनेशन कोन बुझा हम डेफिनेशन ए ग्राफ g of v comma i मन रखो पिले मोरे ग्राफ को हम इतने को लिखिवा सब लिखिया पिले g of ग्राफ ऑफ वर्टिसेस और एज तो v comma i फॉर्म लिखिवा तो देखो का ए ग्राफ को है ना तो इस पर लिखिया पिले रहा जो रो ग्राफ ऑफ वर्टिसेस एंड एज से सर्च तो ये हो जाए हमारा सपोज ग्राफ नंबर 1 पा दियो ओके तो ग्राफ 1 ऑफ कौन सी v comma i फॉर्म रस ये निकाल दे ओके consist of a set of vertices denoted by v or v of g pile jab vertices likho je na vertices ko me likhiba either v likhiba ba kon likhiya v of g likhiba mane kon dabo g thola v of g one pile se g number graph ro ba g graph ro vertices number ta thik ache na jodi am pile ek case re dekhiba dekho eti kon ache amaro v1 v2 ya vertices jaga pile ना? ना वर्टिसेस जगह अच्छी तो v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 एती कोन अच्छी था ना वर्टिसेस अच्छी देखो मैं फोन लिख पेती पहले तो वर्टिसेस को मैं लिख पे दी पहले मेरी तो सेट को मैं लिख पे दी v ऑफ g दैट इक्वल टू पहले सेट ऑफ वर्टिसेस दैट मींस v1 v2 v3 v4 आफ्टर कितने गला ये हमरो v7 नहीं गला हेलो इधर बोले तो v1 v2 v3 अगर ये दस मिनट हमारा सेवन नहीं अच्छी बोले जहेतु कौन अच्छी वर्टिसेस हमारे खतरा है ना तब एक बार लिख ले v of g हो ची लिख पड़ेगा इस टाइप ठीक हो ची अब देखो नेक्स्ट कौन देखिए बा एंड ए सेट ऑफ एडजेस है ना डिनोटेड बाय e और e of g कौन लिखे बोले e of g लिखिए बा माने कौन देखो इमें लिख पड़ेगा बा e of g e for बोले एड्स है ना एड्स माने कौन देखो हम जदी दिरा वर्टिसेस ड्रॉ करिया पले सपोज ये होची v1 ये ला v2 तो आ भितरे कोन थे परे एटलीस्ट वन एड्स रे पाइबो एटलीस्ट वन रे पाइबो नथि वन दे तबले हमें दाब डेफिनेशन पढ़ीबा केतरा वर्टिसेस रे पंतिबो हमरा एड्स भी नथिबो ताब से हम पढ़ीला ओके तो कोन कहली पले दिरा वर्टिसेस नली ही कोन थिबो हमरा ओटे एड्स अस परियो हेलो ना ओके देखो हेलो एड दिखे कौन अच्छे हम रखो ये उड़े एड्स पिले आपको इतने को है जो हमारे सेल्फ लूप को है जो है ना ये भी कौन उड़ा हमारा एड्स तो ये ला एड्स वन एड्स टू एड्स थ्री एड्स फोर एड्स फाइव एड्स सिक्स एड्स सेवन एड्स एट एड्स नाइन तो ये कितने एड्स अच्छे पिले थे हमारे टोटली नाइन टा एड्स अच्छे पिले है ना तो आपको हम इतने लिखिवा एड्स रे एड्स सेट लिखिवा ई वन ई टू ई थ्री ये कहते हैं जो बोले आप तो e9 दे जीवो सो ए सेक्टर ना हो चाहे हमारा एड्स सेट ये हो चुका हमारा वर्टिसेस रूट सेट ठीक हो ची अब देखो फर्स्ट डेफिनेशन दे बोल ले ओके कौन बोल ले रे g of v comma e ग्राफ रे v of g नाम को रे किसी हमारा वर्टिसेस थी वो आप कौन थी वो बोले e of g आपको कौन थी वो किसी एड्स थी वो है क्या अब देखो कौन ला Every edge is associated with an unordered pair of vertices. माने कौन देखो पहले? जो दिया मैं first suppose मिले, मुको उच्च पहले
E suppose mu 7 kohli. E 7. ठीक है चेक करो पहले E 7 टा कूड़े हो चुके ये दिच्छी ना देखो E 7 टा कौन हो ची V 2 है कि V 5 को जॉइन है इससे तो कौन ची V 2 है कि V 5 को जॉइन है ची तो आपको मैं लिखी पड़ी बा E 7 टा कौन हो ची V 2 कॉमा V 5 रो एड्स को से जॉइन है ची आपको कौन लिखना है मैं ऑर्डर पे लिख लेगी नहीं हम एमिटी भी लिखी पड़ी बा और आपको मैं इमिटी भी लिख फिर पहले देखो ऑन ऑर्डर पेड भी लिख फिर हमें कि लिख फिर देखो अच्छा ऑन ऑर्डर पेड मैंने को देखो पर्टिकुलर पेड किस ना वो b5 कॉमा b2 भी लिख फिर पर लैंग्वेज में ओके ना ओके आपको इमिटी भी लिख फिर पहले v2 b5 भी लिख फिर आपको जब मैं पूरे वे देखेगा हला बा रास्ता देखेगा तो कि मैं देखा देखो e7 अच्छी अच्छा तो लिखी पर भी v2 e7 b5 और b5 e7 v2 इनका बता रहा हूं रो भी देखे पड़ी आप ले हला तो फर्स्ट रोज भी ले ग्राफ फॉर डेफिनेशन कौन हो ग्राफ इज कंसिस्ट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस हला ठीक है देखना जिसने लिखी है कि मिलता है डिफरेंट वे में डेफिनेशन में ओके ना बोले तो एक ग्राफ g of b comma e consist of a set of vertices denoted by v or v of g and a set of edges denoted by e or e of g ओके Every edge is associated with an unordered pair of vertices. तो फर्स्ट एक नोट डाउन करो बोले हला और डायग्राम टा भला ऊपर थियो हला तो अरे क्लियर हला भला तो वर्टिसेस कौन हो एजेस कौन हो देन कौन ला वर्टिसेस और एजेस लिखियो कि मिति ओके एती क्वेश्चन फर्स्ट लिखियो ओके नेक्स्ट टाइम आउट देखिन देखिए देखो बोले नेक्स्ट जो हमरो ऑर्डर एंड साइज ऑफ ए ग्राफ कौन देखो The number of vertices in a graph or the cardinality of the set V of G. V of G मैंने कोई तो मुझे आग्रो. V of G का meaning कौन बिले? Number of set of vertices. V of G कौन आग्रो? Set of vertices. V of G तर equal to बिले set of vertices. मैंने कौन कौन चीज़ आग्रो? V one, V two, V three. आपके तो जाएगा चीज़ आग्रो V seven नहीं उस. हैला तो कौन कहला से द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन ए ग्राफ और द कार्डिनलिटी ऑफ द वर्टिसेस और वी ऑफ जी दैट मींस लिखी पर भी पिले कार्डिनलिटी ऑफ वी केतो अच्छे बिले वैल्यू उठी हमरो 9 की ने सॉरी 7 कार्डिनलिटी तो छै हमरो 7 अच्छे सो एज ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ वी रहला ना से कार्डिनलिटी हो छै बिले हमरो इज सेड टू बी द ऑर्डर ऑफ द ग्राफ तो ऑर्डर ऑफ ग्राफ केतो अच्छे बिले लिखे हमरो ऑर्डर ऑफ ग्राफ जी इज इक्वल टू हो चुके सेवन बिकॉज द कार्डिनलिटी नंबर ऑफ वर्टिसेस हो चुके सेवन तो ऑर्डर ऑफ ग्राफ हो चुके हमारा सेवन ठीक है ना नेक्स्ट कौन देखो एंड द नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ जितने एड्स रहे ला बिले है ना दैट इज ई ऑफ जी दैट इज बिले ई ऑफ जी को लिख फिरवा तो ई ऑफ जी हो चुके हमारो जहां जो एड्स रहे ला बिले ई वन E2, E3, आप तो कहते हो अच्छा हमारा E9 जाएगा अच्छा। है ना? तो कौन कहला? The number of edges in the graph is said to be the size of the graph. तो ये जो रहे ना, तो सी हो चुका ना हमारा। फर्स्ट हो ची edge जो number of edge हो जाए हमारा 9, तो ये रहा फिर हमारा size of the graph equal to 9. मन रखो साइज एंड ऑर्डर पिले ऑर्डर माने कोनो नंबर ऑफ वर्टिसेस प्रेजेंट इन द ग्राफ होची ऑर्डर ऑफ द ग्राफ एंड साइज कोनो पिले जतरा एड्स होला हला नंबर ऑफ एड्स इन द ग्राफ होचे हमरो साइज ऑफ द ग्राफ ओके ना नोट कर दे पिला को एको पिले ने सारे डेफिनेशन देखिबा फर्स्ट होची पिले सेल्फ लूप हला सेल्फ लूप माने कोन देखो An edge starting and ending in the same vertex is called a self loop. माने कौन देखो देखो एक edge देखो नोच बिले ये जो E1 अच्छी ना E1 वो जो edge जो है नहीं से कौन starting हला B1 रे ending भी कुलची B1 रे starting होची B1 रे पिले ending कुलची और B1 रे ही ending होची मुझे कुलची ना तो इटी कौन कोई बाय E1 होची कौन इटी हमारो self loop जो एड्स कौन है थी वो तब लगी लाया था एड एन एड्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग इन द सेम वर्टेक्स ओके
गोटे वेक्टर से कोनो स्टार्टिंग हेतिबो आ सेट ही से एंडिंग हो ओके ना देखो ए केस रे ये देखो किछे एडा पछना नहीं ये ला बी1 हमरो हला स्टार्टिंग हला ए पॉइंट रे एंडिंग हला ए पॉइंट रे दैट्स व्हाई ये होछ कोन हमरो सेल्फ फ्लो वन ऑफ सेल्फ फ्लो हला आज जमे डिग्री ए पढिबा तो के ये पुला कोइ मिले मन रखो सेल्फ फ्लो प्रो डिग्री होछ बि 2 मन रखो नॉर्मल एयर जो डिग्री हमरो 1 रहबो बट सेल्फ फ्लो प्रो डिग्री कोन रहबो 2 पढिबा अब से रे हमें ओके तो ये है फर्स्ट नंबर सेल्फ लूप क्लियर होला बे एबे देखो प्ले पैरेलल एजेस माने कोन एजेस एसोसिएटेड विद द सेम पेयर ऑफ वर्टिसेस आर कॉल्ड पैरेलल एजेस माने कोन देखो प्ले दिने वर्टिसेस सेम थिबो हमरो सबो देखि देखु एडी सो जे V5 ले कि V6 देखो प्ले V5 देखो V6 देखो प्ले V5 V6 देखो प्ले दिने वर्टिसेस रहला मोठी एड्स द कतरा अछि इटा उडे एड्स अछि एडा उडे एड्स दुसे उडछि ना नै दीटे वर्टेक्स रे कोन अछि हमरो दीटे एड्स जोइला दीटे एड्स किस नै त मोर देन वन एड्स हम गेनि परिबो एडी हमरा इनफाइनाइट नंबर एड्स हि परिबो प्रॉब्लम बिछ नै हला ना तो कोन जदी कहला देखो नॉर्मली कहतबो दीर्घ में दीटे वर्टेक्स न माना ए मझे कोन करबा गोटे हि रखिला तो ये नॉर्मल एड्स रहिला जदी कहला मोर देन वन एड्स कहला दीरा वर्टेक्स को जॉइन छन दे हला देन द एड्जेस आर नोन एज द पैरेलल एड्जेस तो ए केस रे पले e5 और e6 e5 एंड e6 आर द पैरेलल एड्जेस मने लेवला बे देखो सेल्फ लूप माने कोनो गोटे वर्टेक्स से स्टार्टिंग हेतिबो से वर्टेक्स से कोनो दिसे एंडिंग हेतिबो से सेल्फ लूप अब पैरेलल एज मीनिंग होच बिले दिरे वर्टिसेस हमरो फिक्स थिबो हला दिरे वर्टिसेस को होइतिबो मोर देन वन एड्स को होइतु जॉइन हेतु से एड्स एक होच कोन हमरो पैरेलल एजेस ओके पॉज द वीडियो राइट इट डाउन ओके नेक्स्ट होच बिले एडजेसेंट वर्टिसेस एंड एड्जेस कोन देखो टू वर्टिसेस आर सेड टू बी एडजेसेंट एडजेसेंट का मीनिंग कोन बिले लाइक ये क्यों नहीं हां नहीं तो लिखिले टू वर्टिसेस आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ देयर इज एन एज बिटवीन देम माने कोन देखो सपोज इन हमें दे वर्टिसेस न होबेले हैला सपोज मु कोन ले v1 चूज करले आ v2 चूज करले तो v1 v2 केतला हमरो एडजेसेंट हे परिवो जदी कोन होइथिबो आ भीतर गुडे एड जॉइन हेथिबो देखो ए केस रे हम कहि दिबे नि जे v1 एंड v5 होछि एडजेसेंट होले काई ना भीतर किछ एड्स नै गुटे एड्स नै जोरचना पर v1 v2 कोन हेपरिबो एडजेसेंट नै परिबो v1 v6 कोन हेपरिबो एडजेसेंट वर्टिसेस हेपरिबो फर्स्ट ओके ना तो फर्स्ट ओके द टू वर्टिसेस आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ देयर इज एन एड्स बिटवीन देम ओके एबे देखो टू नॉन पैरेलल एड्जेस आर कॉल्ड एडजेसेंट इफ दे आर इंसिडेंट ऑन ए कॉमन वर्टेक्स देखो के टू नॉन पैरेलल एड्जेस माने हमें ए दिरा एड्ज को केभेले एडजेसेंट हो परिवे ने कोन लेसे टू नॉन पैरेलल एड्जेस नॉन पैरेलल ही थिबो ओके देन कोन कहबा कॉल होबेला टू नॉन पैरेलल एड्जेस आर कॉल्ड एडजेसेंट इफ देयर आर इंसिडेंट ऑन ए कॉमन वर्टेक्स माने कोन देखो अच्छा ये होची ई2 ये कोन लाव ई2 रहला अच्छा सपोज इटी पिन हमरो v3 अछि ने v3 अछि सपोज आकु जे हम जॉइन कर छै कोन छै ना तो ये हला हमरो e3 ठीकी ऑब्जर्व करो बिले e2 e3 नॉन पैरेलल पैरेलल नै छै हमरो ओके आउ कोन होइ छै बिले e2 e3 कोन अछि v2 को जॉइन हे छै गोटे वर्टेक्स कोन अछि जॉइन हे छै दैट्स व्हाई एडी बिले e2 e3 कोन हे परियो उठे हमरो दिन हमरो कोन हे परियो एडजेसेंट एड्स हे परियो तो बुझले भला बे कोन कहले फर्स्ट मो एडजेसेंट वर्टिसेस माने कोन जदी कहैथिबो दिरे वर्टेक्स मो जेरे गोटे एड्स कॉमन थिबो से हो जे एडजेसेंट एंड वर्टिसेस सेकंड होछि बे एडजेसेंट एड्जेस फॉर ए नॉन पैरेलल एड्जेस ओके दिटा एड्स कहैथिबो गोटे वर्टिसेस रे हमर रे कॉमन कोन वर्टिसेस थिबो बेटर ओके ना तो से होछि कोन हमरो एडजेसेंट एड्जेस ओके पॉज द वीडियो राइट इट डाउन देखो बेटे नेक्स्ट लेवल हमरो डिग्री ऑफ ए वर्टेक्स डिग्री माने कोन देखो
the degree of a vertex V is the number of edges incident on the vertex. Degree meaning hoji bile jetra vertex ko hetibo amaro gote sorry jetra edge ko hetibo vertex amaro incident hetibo mane gote vertex re amaro link hetibo edge kon dekho jodi ame kahiba V7 ro degree kete to value kete hobo 1 asibo kai ki gote hi edge ko achi abo link korchu যদি আমি কইব ভি 6 র ডিগ্রি কত হবো 1 2 3 4 তো এ 4 আসিব বুঝা বুঝছি না তো ডিগ্রি র মিনিং হচ্ছে বলে যতনা এডজ আমার গুটে ভার্টেক্স রে ইনসিডেন্ট হইতিব সে হচ্ছে কোন আমার ডিগ্রি অফ দা ভার্টেক্স হবো ওকে না ফার্স্ট এবে দেখো ইট ইজ এ পজিটিভ নাম্বার মাস্ট বি কইতিব যতনা এডজ এড হল না মাস্ট কইতিব ওরা পজিটিভ হই পাইও ওকে এন্ড ইজ ডিরোটেড by degree v me likhe bre d is degree v likhe hala jodi ame je kono number for example suppose dekho upobuchi moti degree of v7 find korle v7 ro degree keta hobe 1 asibo to me likhiwa degree of v7 is 1 hala jodi find korchi bole degree of v6 find korchi to value kon hobe ki 4 asibo to degree of v6 kon hala amar 4 hala bujha korchi na তাহলে লিখিবা হবে আমি ডিগ্রি অফ ভি মিন লিখিবা হ্যাঁ এবে দেখো এ লুপ লুপ মানে কোন সেলফ লুপ যা কোস হবে তা কইবা গটে পয়েন্ট রু স্টার্টিং হইতিব সে পয়েন্ট রে এন্ডিং হইতিব দেখো এবে দেখো কইলে ইনসিডেন্ট রো মিনিং হলা যতরা লিংক হইতিব তাহলে মন দেখো লুপ লুপ ফার্স্ট বি কইলি যে লুপ রে কোন হইতিব ডি এট হল টু কাউন্ট হবে কাই কি স্টার্টিং পয়েন্ট ইয়েগা এন্ডিং পয়েন্ট ইয়েগা তো এ পয়েন্ট রে আর লুপ রে তর ডিগ্রি কত হবে টু কাউন্ট হবে তো লেখি বলে দেখো হলে ডিগ্রি অফ যদি আমি পচলা বলে v1 কোন হবো v1 এর ডিগ্রি ইয়ে e2 র আছে e ডাইল আছে হলো 1 আর 2 আর দুই কাউন্ট হলো বলে তো 4 হলো তো লেখিলা এ লুপ ইজ কাউন্টেড টুয়াইস ডাবল টাইম কাউন্ট হবো ইয়ে ফর দা ক্যালকুলেশন অফ ডিগ্রি অফ দা ভার্টেক্স ইয়ে কোন হলো আপনার ডাবল টাইম কাউন্ট হবো ফর দা ক্যালকুলেশন অফ দা ডিগ্রি অফ দা ভার্টেক্স আর মন দেখো ডিগ্রির মিনিং কোন ডিগ্রি মানে হচ্ছে বলে যেতরা এডজ গোটে ভার্টিসেস রে লিংক করছে বা ইনসিডেন্ট হেজ মেটওয়ার হচ্ছে ইনসিডেন্ট হেজ হ্যালো সো হচ্ছে কোন ডিগ্রি অফ দা ভার্টেক্স ওকে ওকে এবে দেখো বলে কি এত রইল আমাদের ডিগ্রি ফার্স্ট জানল এবে দেখো বলে আমরা ডিফারেন্স লিখিবা গোটে হলা মিনিমাম ডিগ্রি গোটে সিম্বল আছে আমরো আর হচ্ছে আমরা ম্যাক্সিমাম ডিগ্রি টাইম সিম্বল আছে মিনিমাম ডিগ্রি পাই সিম্বল হচ্ছে বিলে আমি ডেল্টা তাহলে লিখতে দিবা ওকে দেখো আমি সিম্বলিক্যাল লিখছি ওকে ডেল্টা অফ জি লিখিবা ওকে ডেল্টা অফ জি কি হচ্ছে বিলে আমার মিনিমাম ডিগ্রি যো ভার্টেক্স এর মিনিমাম ডিগ্রি থিব তখন কোন লিখিবা ডেল্টা অফ জি লিখিবা ওকে না এর মানে সিম্বল ওকে যদি আমি লিখছি বিলে এ ডেল্টা ডেল্টা অফ জি লিখছি তো ই হচ্ছে কোন আমার ম্যাক্সিমাম ডিগ্রি ম্যাক্সিমাম ডিগ্রি যে পয়েন্ট আসছে না সে পয়েন্ট আসছে বা সে ভার্টেক্স এর হচ্ছে আমার ম্যাক্সিমাম ডিগ্রি কি আসছে আগে যখন দেখো বলে দেখো v4 র v4 এ কোন সি ভেট এডজ কোন জয়েন হচ্ছে কি এই নি তাহলে কোন লিখিবা ডিগ্রি অফ v4 হচ্ছে 0 জরুরি না ডিগ্রি অফ v4 কোন হবে না 0 হয়ে যাবে কারণ কি এড যদি জয়েন হল তাহলে কোন ডিগ্রি আসিব কি কিছু এড জয়েন হয়নি v4 রে তো ভ্যালু কোন হবে কি হলো 0 হবে তো মন রাখো ডিগ্রি ক্লিয়ার হল আবে ইউ সিম্বল হচ্ছে কা পাই মিনিমাম ডিগ্রি পাই হচ্ছে এ ডেল্টা হচ্ছে আমাদের ম্যাক্সিমাম ডিগ্রি পাই ওকে পজ দ্য ভিডিও টু আগে যাও দেখো বলে আউট রেফারেন্স দেখি হবে ফার্স্ট হচ্ছে বলে আইসোলেটেড ভার্টেক্স A vertex is called an isolated vertex if no edge is incident on the vertex. যদি কোনো vertex এ কোনো লাগিলে কিছু বি এড জয়েন হই নি যাকে আমি বলছি v4 দেখো v4 এ কোনো সি এড যাব না জয়েন হই নি দ্যাটস ওয়াই কোন কইবা সে এড হচ্ছে কোন আমার আর সরি সে vertex হচ্ছে আমার আইসোলেটেড vertex মনে রাখো যে vertex রে গটে বি এড যাব না জয়েন হই থিব সে হচ্ছে আমার আইসোলেটেড vertex এন্ড the degree of the isolated vertex is 0 ja koili agru hala to mon rakho a case re v4 hoch kon amru re isolated vertex first okay na isin simple re
जो वेर्टेक्स रे एड जॉइन हेन थिबो से होछ पे नाम रो आइसोलेटेड वेर्टेक्स क्लियर एबे देखो पले नेक्स्ट हो छ हमरो पेंडेंट वेर्टेक्स कोन देखो ए वेर्टेक्स इज कॉल्ड ए पेंडेंट वेर्टेक्स इफ डिग्री ऑफ द वेर्टेक्स इज 1 जहारो उते ही कोन थिबो एड इंसिडेंट हेतिबो वन सिंगल हेतिबो से होछ कोन हमरो पेंडेंट वेर्टेक्स जदि यूज करबा देखो d7 D7 देखो पिने कोन अछि गोटे ही एज को अछि न अछि देखो आर डिग्री केते हमरो 1 तो कोन करबा यो छ हमरो पेंडेंट वेर्टेक्स मान लखो जदी डिग्री हमरो 0 हला से होछि आइसोलेटेड वेर्टेक्स जदी डिग्री हमरो 1 हला तो से होछि पिले पेंडेंट वेर्टेक्स ओके ना पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन देखो पिने दे क्वेश्चन देले क्वेश्चन नंबर 1 ना क्वेश्चन नंबर 2 हला क्वेश्चन होछि पिले find vertex set okay then question hochi find mona kala pasanga gori tumi di vertex kali hobile okay na sanga dibo adds kali hobile vertex kali ho adds kali ho okay then go gori hobile degree kali ho mona ka tin ans kali ho vertex set kali ho adds set kali ho and degree of each and every vertex kali ho hala ekdam home pele home ta try karo okay pause the video write it down okay ye chila pele aaj ki se hame bahut bada difference da palle hala aur different type of graph da gachu pele se hum pad padiba okay next class se kon kariba hame is theorem da kariba hala ja ke hamro question number ekdam pad be important icha hamro तो सब जगह फर्स्ट टाइम मुझे दरकार अच्छी पे डेफिनेशन हम यूज करवा है प्राय डेफिनेशन का यूज करवा तो डेफिनेशन का भला पढ़ ओके डिग्री या आईडिया वाला भला है ओके नेक्स्ट टाइम हम किसी थ्योरम करवा ओके okay?